हेलो फ्रेंड, ये पनीर कट कर लिया है, ये भिंडी कट कर ली है, ये प्याज कट कर ली है। अब शुरू करते हैं मिक्स वेज बनाना। इसमें आलू भी आप कर सकते हैं मिक्स, शिमला मिर्च वगैरह जो भी हो, लेकिन यही बस पनीर प्याज मिक्स करेंगे। हेलो फ्रेंड, ये जीरा तड़कने लगे हैं, अब प्याज डाल देंगे। इसमें लहसुन और धनिया मिर्च वाले जो पर मसाला डालते वही डालेंगे, तो लहसुन नहीं डाल रहे हैं, बाद में डालेंगे। उसमें नमक मिक्स है, अभी थोड़ा क्रंची हो जाए गोल्डन ब्राउन, फिर भिंडी डालेंगे। हेलो फ्रेंड, ये हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब मिक्स करके अब भिंडी डालते हैं, पनीर डालते हैं। ये पनीर डाल दिया है, भिंडी डालते हैं, मिक्स करके सब ढक देंगे। तो दो तीन मिनट बाद फ्रेंड उलट पुलट करना है, बहुत जल्दी भिंडी पकती है। खुले भी पका सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे शुरू में। जब अध पकी हो जाए तब इसको फिर खुला ही पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा भिंडी डाल के चलाते रहें जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये अध पकी से लगे कि बंद ही करना है, तब नमक डाल के मिक्स कर लेंगे, वही लहसुन मसाले वाला नमक। हेलो फ्रेंड, ये अध पकी होने के बाद अब खुला ही पका रहे हैं, एक दो मिनट बंद कर देंगे। तो देखिए अच्छे से पक गए भिंडी भी पनीर भी। थोड़ा और खुला पका के फिर ऑफ करते हैं गैस। हेलो फ्रेंड, ये अच्छे से पक गई है, निकाल ली है पनीर, ये अच्छे से पक गया है, भिंडी भी प्याज भी। और भी कोई सब्जियां आप डालना चाहे शिमला मिर्च वगैरह तो वो भी डाल सकते। तो नमस्कार फ्रेंड, थैंक यू। नमक और मिर्च स्वाद के अनुसार ही डालें। नमस्कार फ्रेंड, थैंक यू।